हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप वन क्लिक के अंदर ही ऑटोमेटिक कैप्शंस ऐड कर सकते हैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स और सभी वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही सिंपल सरल वीडियो होने वाला है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद वाईटी क्रिएट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप देखोगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा नीचे बॉटम में, प्लस का आइकन। प्लस का आइकन को जाने के बाद जिस वीडियो के अंदर भी आपको कैप्शंस को ऐड करना है ऑटोमेटिकली, उस वीडियो का आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के तौर पे ले लेना है। और इसकी शर्त यही है कि कैप्शंस के अंदर लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं और कैप्शंस कैप्शंस बना सकते हैं। तो मैं वीडियो ले लिया है, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं हेलो गाइस, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फोन के अंदर ही बैकग्राउंड नॉइज जो वीडियो के अंदर आती है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कैसे यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने कैप्शंस के तौर पे बोल रहा हूँ, तो इसको ये हिंदी वर्जन के अंदर ही कैप्शंस बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले करना क्या है, एप्लीकेशंस के आपके नीचे आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर ही आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कैप्शंस का, तो कैप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सोर्स रिक्वायर्ड और लैंग्वेज स्पोकन दोनों ये आपको चूज करनी है। तो सोर्स के लिए साउंड फ्रॉम वीडियोस, और सोर्स जो है वो लैंग्वेज जो है वो मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी के अंदर इसको बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है कि क्रिएट के ऊपर आपको टैप कर लेना, और आप देखेंगे वन क्लिक के अंदर ये फिनिश्ड हो चुका है, और मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। हेलो गाइस, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फोन के अंदर ही बैकग्राउंड नॉइज जो वीडियो के अंदर आती है उस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कैप्शंस आना शुरू हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात है इन कैप्शंस को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, आपको देख सकते हैं इसकी स्टाइल आपको चेंज करनी है, फॉन्ट बड़े छोटे करने हैं, या फिर जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, कलर आप इसका चूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड फॉर्मेट ये सब कुछ भी आप यहाँ से शेडो वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं। और एडिट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसको आप डन कर दीजिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको नीचे करने के बाद सब हो गया, और आप इस वीडियो का आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आप एक्सपोर्ट चाहते हैं उसको आप एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जिस भी क्वालिटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम अगले एक हेल्पफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।